हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर सरोजनी वीडियो। और आज की इस सरोजनी वीडियो में हमने कवर किया है बाबू मार्केट, जो आपको मार्केट में एंट्री करते सबसे पहले दिख जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही मेरी वीडियो को देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मार्केट में एंट्री लेंगे और एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको शॉप दिखेगी इस तरीके से कुर्ती की, जो जहाँ पे आपको 350 की सेल दिखेगी। और उसके साथ ही आपको इस तरीके से विमेंस के कार्डिगन एंड स्वेटर भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ इस तरीके से 3 से 4 कंटिन्यूसली आपको कुर्ती की दुकानें मिलेंगी, जिसमें आपको कुर्ती के सेट भी मिलेंगे। प्लस उसके साथ आपको अलग से आप सिंगल प्लाजो लेना चाहें या फिर आपको वुलन कुर्तीज चाहिए, वो सारी आपको मिलेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 350 के स्टार्टिंग रेंज से। उसी शॉप के जस्ट बगल में इस तरीके से बेबीज़ का कॉर्नर भी था, जहाँ पे आपको बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के आपको यहाँ पे पजामा, स्वेटर एंड जैकेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे 200 के स्टार्टिंग प्राइस से। मार्केट में इस बार मेरे को बाबू मार्केट की स्पेशली मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको विमेंस के जितने भी स्वेटर एंड कार्डिगन्स देखने को मिलेंगे वो 350 से स्टार्टिंग मिलेंगे। और काफ़ी सारे, अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग एंड शॉर्ट सारे तरीके के, और जैकेट प्लस अगर आपको हुडी स्टाइल में स्वेटर चाहिए होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं तो लॉन्ग वुलन कुर्तीज़ भी इनके पास अवेलेबल थी। उसी के साथ आपको बस एक लाइन में ही चलते रहना होगा। कुर्ती के शॉप के बगल में आप जस्ट देखेंगे तो इस तरीके से बेली एंड शूज़ की भी सेल लगी हुई थी 200 रुपीज़ की। और उसी के जस्ट बगल में बॉयज़ के लिए भी स्पोर्ट्स के शूज़ थे, एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मल लोफर एंड जूते वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो मेरे को बाबू मार्केट में सबसे बेस्ट शॉप यहाँ पे ये लगी थी ज्वेलरी की। इस तरीके से एक कॉर्नर था, काफ़ी ह्यूज कॉर्नर था, यहाँ पे आपको चूड़ा, बैंगल्स एंड ज्वेलरी सेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और इयररिंग्स वगैरह भी 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। अगर आप बैंगल्स के सेट की बात करेंगे तो 100 रुपीज़ की स्टार्टिंग प्राइस थे। प्लस इनके पास आपको न्यू ब्राइड चूड़ा होता है, वो भी अगर आप लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। प्लस इनके पास जो ज्वेलरी सेट्स थे वो आपको ब्राइडल से लेके कैजुअल भी मिल जाएंगे। नॉर्मली चेन वगैरह भी इनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल्स थे, तो आप एक बार इस शॉप को भी चेक कर सकते हैं। और उसी के पास ये स्टॉल लगा हुआ था, जो कि स्पेसिफिकली 2 वेराइटीज़ में ऐसे डिवाइड था। इसमें 200 रुपीज़ की सेल लगी थी इस स्टॉल पर, जिसपे आपको एक साइड आपको इस तरीके से श्रग्स देखने को मिलेंगे, जिसमें श्रग में भी काफ़ी वेराइटी एंड कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे। एंड उसी के जस्ट सेकंड साइड में अगर आप देखते हो तो आपको 200 की सेल वाली वुलन ड्रेस भी देखने को मिलेगी, प्लस कुछ यहाँ पे आपको भी समर के कपड़े देखने को मिल ही रहे हैं। एंड उसी के जस्ट सामने इस तरीके से क्रॉकरी शॉप थी, जहाँ पे मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो क्रॉकरी के कलेक्शन काफ़ी अच्छे लगे थे। प्लस इनके पास कुछ ऐसी क्रॉकरी भी थी जिसको आप डेकोरेशन के उससे भी यूज़ कर सकते हो। प्लस इनके पास 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग के कप सेट्स भी थे, एंड प्लस अगर आप मग लेना चाह रहे हैं या अलग से कोई वाटर बॉटल, प्लेट, ट्रे, ऐसे तरीके की क्रॉकरी देख रहे हो तो आप इस शॉप पर आ सकते हैं। मतलब बाबू मार्केट में आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी, ये नहीं कि आपको यहाँ पे केवल कपड़े या कुछ, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, वीडियो में आगे आप एंड तक बने रहें। आगे और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि अब ये आप पर्स की शॉप देखेंगे तो मेरे को इस पर्स की शॉप पर आप देखोगे तो सारी वेराइटी मिलेगी, क्लच से लेके अगर आपको पोटली हो गई, आपका क्लच हो गए, हैंडबैग्स हो गए छोटे छोटे, एंड वेस्ट बैग, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मेंस के लिए वॉलेट भी अवेलेबल थे। तो मुझे सबसे प्लस पॉइंट ये था कि आपको जितनी भी वैरायटी चाहिए वो यहाँ पे आपको एक ही शॉप पे मिल रही थी, उसके लिए आपको एक अलग से कोई अलग अलग पर्टिकुलर किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइडल पर्पज़ से लेना है या फिर आपको नॉर्मली कैजुअल यूज़ के लिए लेना है, तो सारी वैरायटी आपको एक ही शॉप पे मिल रही थी। एंड जस्ट इस शॉप के बगल में इस तरीके से स्टॉल लगा हुआ था। नो डाउट कि सरोजनी नगर में हर जगह आप अगर इयररिंग की बात करें तो इयररिंग बहुत अच्छी मिलती है, पर आप इस स्टॉल पे देखोगे तो आपको डैंगलर से लेके चांद बालिस तक सारी इयररिंग काफ़ी ही अच्छी कलरफुल, मेरे को ये शॉप बहुत पसंद आ रही थी बिकॉज पूरी कलरफुल थी 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस। अगर हम जूती या मोजरी वगैरह की बात करते हैं तो सरोजनी नगर में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, बट ये शॉप थी इस पर स्पेसिफिक केवल मोजरी
एंड आपके देख सकते हो जुतियों की सेल लगी हुई थी, इस पे आप फिक्स प्राइस था, उसी के जस्ट बगल में इस तरीके से बॉयज़ के भी शूज़ रखे हुए थे। सबसे अलग जो मुझे लगा था इस बार मार्केट में वो ये था, मैंने पहली बार बाबू मार्केट में देखा था इस तरीके से बॉयज़ के यहाँ पे आपको सूट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अगर सिर्फ ब्लेज़र लेते हो तो वो आपको 1500 में, और अगर आप कंप्लीट टू पीस सेट लेते हो तो वो आपको 2500 रुपीज़ में, अगर आप थ्री पीस सेट लेते हो तो वो आपको 3000 से 4000 के बीच में मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ी भी साइज़ का इशू होता है कि साइज़ लूज़ है या फिटिंग नहीं आ रही है, तो वो आपको हैंड टू हैंड फिट करके भी देंगे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस एंड वैरायटीज अवेलेबल थी। इस तरीके से अगर आप शॉप में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ऐसे स्टॉल लगी हुई थी, जहाँ पे आप ब्लेजर्स को देखोगे तो 100 रुपीज़ के स्टॉल की सेल लगी हुई थी, और पूरी मार्केट में इसी तरीके से ब्लेजर्स की सेल लगी हुई थी 100 रुपीज़ में, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर भी मिल सकते हैं एंड काफ़ी वैरायटी भी थी। अगर आपको लॉन्ग या शॉर्ट जैसे भी ब्लेजर चाहिए वो मिल जाएंगे। अगर आप मार्केट में थोड़ा और आगे जाएंगे तो इस तरीके से मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, ये 100 रुपीज़ के सेल की शॉप थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही 100 रुपीज़ का देखने को मिला था। तो इस तरीके से 100 रुपीज़ की सेल की शॉप देखोगे, आप यहाँ से कुछ भी पिक कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगती है अगर आप नीचे से कुछ देख रहे हो, अगर आपको सामने से स्टॉल में देखना है तो वो हो सकता है कि 150 या 200 की रेंज में आपको मिल जाएगा, बट थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद वो भी आपको 100 में मिल जाएगा। और ये इस तरीके की स्टॉल लगी हुई थी जिस पे आपको 50 रुपीज़ की सेल मिल रही थी, और इसमें सारे पीस इतने अच्छे लग रहे थे देखने में, और सारे ही अलग, कोई स्वेटर था, कुछ कार्डिगन्स थे, अलग अलग वैरायटी थी। बाबू मार्केट में मुझे पर्सनली जो शॉप अच्छी लगी थी तो ये शॉप अच्छी लगी थी, बिकॉज इसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट्स के ऑप्शंस थे। अगर आप यहाँ पे जैकेट के अगर देखना चाहोगे वैरायटी तो आपको बहुत सारे, अगर वेलवेट में आपको जैकेट चाहिए वेलवेट में भी मिल जाएगी, काफ़ी अलग अलग फैब्रिक में एंड काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पे 350 के स्टार्टिंग प्राइस से ब्लेजर्स इस तरीके से लगे हुए थे, जिसमें आपको स्वेटर भी देखने को मिल रहे थे 200 की रेंज के। तो एक ही शॉप पे सारी चीज़ें, ब्लेजर, जैकेट एंड स्वेटर एंड कार्डिगन्स वगैरह आपको एक ही शॉप में मिल रही थी, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अगर आपको बच्चों के लिए पार्टी वेयर या नॉर्मल कैजुअल वेयर के कपड़े चाहिए तो बाबू मार्केट उसके लिए बेस्ट है। यहाँ पे इस तरीके से बच्चों की भी शॉप थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं गाउन, फ्रॉक ड्रेसेस, स्कर्ट टॉप एंड और भी वुलन कपड़े इस तरीके से देखने को मिल रहे थे। इनके पास इसकी भी एक स्टार्टिंग प्राइस फिक्स थी 200 रुपीज़ से, उसके बाद इनके प्राइस अकॉर्डिंग टू ड्रेस इस तरीके से बढ़ते जा रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों के लिए भी एक अलग से जैकेट की सेल लगी हुई थी 350 के स्टार्टिंग प्राइस से, एंड प्लस ये पूरा कॉर्नर बॉयज़ के जैकेट के लिए था, जिसमें आपको जैकेट एंड विंडचीटर इस तरीके से पूरी सेल मिल रही थी। तो कैसा लगा आपको होल वीडियो का एक्सपीरियंस, या कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपके लिए मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी मार्केट एक्सप्लोर करते हुए लाऊंगी, और बहुत जल्दी मैं अपनी नई वीडियो में कुछ नया अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, बाय बाय।